हेलो मानसिंह जी। अभी नहीं, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ हेलो बोलने आई हूँ। हाँ हाँ, तुम हेलो बोलोगी फिर मुझे कहना पड़ेगा हेलो, फिर तुम पूछोगी आप कैसे हैं मानसिंह जी, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर तुम बोलती जाओगी मैं सुनता रहूंगा, बोलती जाओगी मैं सुनता रहूंगा, तुम बोलती जाओगी मैं सुनता रहूंगा, तुम बोलती जाओगी मैं सुनता रहूंगा, तुम बोलती। और मैं वो करूंगा जो मैं कर रहा था। मॉम, मुझे मेरी पॉकेट मनी पे एडवांस मिल सकती है? तुम अपने पॉकेट मनी पर बुढ़ापे तक का एडवांस ले चुके हो करण। तो मॉम, मुझे मेरी जायदाद का एक हिस्सा मिल सकता है? या कम ऑन मॉम, वो एक ना एक दिन मेरा ही तो होने वाला है। करण प्लीज, मुझे इस वक्त तंग मत करो। तो फिर मुझे अपनी जायदाद का एक हिस्सा दे दो और मुझे जाने दो, हवा आने दो। मॉम प्लीज, मुझे अब इसकी बहुत जरूरत है। किसकी? एक जादुई तिलस्वी तलवार की। अच्छा, तो मैं तुम्हें वो चीज जरूर नहीं दूंगी। मॉम प्लीज, ये एक नए सुपर कूल ऑनलाइन गेम के लिए, गैंग्स ऑफ राक्षसपुर, जिसमें मैं एक कंप्यूटर जनरेटेड दुनिया में रहूंगा और कंप्यूटर जनरेटेड राक्षसों का नाश करूंगा। अच्छा, तो ना तुम अपनी कंप्यूटर जनरेटेड मॉम से पैसे ले लेना। प्लीज मॉम, वहाँ कोई अनचाही चीजें नहीं होती, वहाँ मेरी कोई मॉम नहीं है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। मॉम, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। ये लो, क्या पता शायद तुम्हारी ये जादुई तलवार मानसिंह जी को मेरी सैलरी इंक्रीज करने के लिए राजी कर दे। थैंक्स मॉम, आप सुपर कूल हो। तुम ये तलवार ऑलरेडी खरीद चुके हो? हाँ, क्योंकि मुझे इसका इंतजार नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने इसे अपने पैसों से खरीद लिया। अब मैं पैसे अपने आप को वापस कर दूंगा। इस वक्त मेरा मन राक्षस की तरह चिल्लाने का कर रहा है। कंट्रोल योरसेल्फ प्रीति। कबीर, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने तुम्हें बहुत सारे राउंड्स पहले बुलाया था। रानी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम अपनी इमरजेंसी बोलो। कबीर, इंटरनेट टूट गया है। मैं चेक करता हूँ। लो, अब तुम ऑनलाइन हो। रानी ओबेरॉय। वाओ, 10 लाख हिट्स। ये रानी, चलो देखते हैं कि रुचिका वाले के हिट्स मेरे हिट से कितने कम है। वाओ, 50 लाख हिट्स। तो फिर रुचिका के हिट्स मेरे हिट से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? क्योंकि उसका खुद का एक वेब शो है। कबीर, ये वेब शो क्या होता है? राक्षस पुर के राक्षस, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे भी। हाय बेटा, पता है आज मार्केट में कितनी सारी भीड़ थी? ओ भोजन, एक थाली पौष्टिक पिज्जा हो जाए नारी। मुझे इन राक्षसों का नाश करने के लिए नाश्ते की जरूरत है। लगता है तुम इस गेम को मेरी मैथ वाली गेम से ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। 1 2 3 गणित सीखो फ्री। मॉम, मैं उसका भी इस्तेमाल कर रहा हूँ दूध को गर्म रखने के लिए। बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मॉम, आप वो जादूगर देख रहे हो? वो मैं हूँ, और मैंने एक राक्षस से दोस्ती की है, उसका नाम है मुकाम्बो तेजदार, और ये जो सस्ता वाला राक्षस है ना, उसका नाम है सस्ता सुर। तुम कौन सी भाषा में बात कर रहे हो करण? सस्ता सुर राक्षस कौन है? मॉम, बच्चा बच्चा जानता है, गैंग्स ऑफ राक्षसपुर की गैंग, जिसकी मैं बजा रहा हूँ बैंड। मॉम, ये एक बहुत सुपर्ब गेम है। वो मुगामो तेजदार, मेरी मायावी तलवार तुम्हारे तेजदार का साथ देने की प्रतिज्ञा लेती है। ठीक है मेरे प्यारे से मुगाम्बो, या खूनी अग्नि, या राक्षसी दरिंदे, या जो भी हो, ये गेम बंद करो, तुम्हें फ्रेश एयर और धूप की जरूरत है। मॉम, मुझे पहले से ही फ्रेश एयर और धूप मिल रही है। आ, कोई मुझे इस तपती धूप से बचाओ, मैं जल के राख बन जाऊंगा। तो रानी, तुम्हारा वेब शो रेडी है, अब जब मैं 5-1 गिनूंगा तब तो। एक मिनट, तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। सॉरी, तुम तब भी इधर आओगी जब मैं कहूंगा एक्शन। हाय रानी, मुझे अपना कंप्यूटर तो ऑन करने दो।
एक्शन। रानी मैंने कहा एक्शन। बिना तालियों के मैं एंटर कैसे हो सकती हूँ? रानी यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, ये रानी। बस कीजिए, मैं जानती हूँ आप लोग मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मैं हूँ, आप सब तो जानते ही हैं, रानी ओब्रॉय। वेलकम टू ये रानी, स्टारिंग रानी ओब्रॉय। ये शो रानी के बारे में है और रानी मैं हूँ। इस समय हम रानी के बेडरूम में, जहाँ पर वो सोती है और उठती भी है। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है प्रोफेसर कन्या कुमार, जिन्होंने लड़कियों की अजीब अजीब आदतों पर रिसर्च किया है। बुलाते हैं प्रोफेसर कन्या कुमार। वुहू, ये प्रोफेसर कन्या कुमार। ओ रानी, मैं यहाँ पे आके बहुत। थैंक्स प्रोफेसर कन्या कुमार, लेकिन आप हमें बताइए कि लड़कियाँ नाइटी दिन में भी क्यों पहनती हैं? क्योंकि लेकिन पहले मेरा गाना। गाना? रानी बड़ी कलाकार, उसके पास है बड़ी कार, उसके नौकर है हंसा, सबको पता, मुझको है पता, तुमको है पता, रानी बड़ी मजेदार रानी। ये रानी, अब सब मिलके गाएंगे। रानी 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 है बड़ी कलाकार, उसके पास है बड़ी कार, उसके नौकर है हंसा, सबको पता, मुझको है पता, तुमको है पता, रानी है बड़ी कलाकार। ये रानी, ये आज का पहला सेगमेंट है आपकी पसंद। आपकी पसंद, जिसमें आप लोग हमें बताएंगे कि आपको हमारा शो इतना पसंद क्यों है। हमारा पहला फैन रानी फैन 26 कहता है कि तुम्हारा स्कार्फ बहुत अच्छा है। गुड क्वेश्चन, 5,000 रुपए। लेकिन ये स्कार्फ सब पर अच्छा नहीं लगता, आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा? रानी यहाँ कोई लोग नहीं। आपका स्वागत है। ये देखिए, डरावना सुंदर, डरावना सुंदर, डरावना सुंदर। और रानी मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे एक स्कार्फ में देखना चाहेगा। ये लोग चाहते हैं कि मैं हाई हील्स पहनूं। ये कैसे हो सकता है? हाँ, जब तक तुम स्कर्ट ना पहनो। मैं स्कर्ट कभी नहीं पहनूंगा। नहीं, पैसों के लिए भी नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूँ। भाड़े की बात अलग है। करण, क्या तुम अभी भी वही गेम खेल रहे हो? बेटा तुम्हें बाहर जाना चाहिए, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हे मॉम, मेरे तलवार वाले हाथ के मसल्स को तो देखो, देखो देखो, डरो मत। ये वाला थोड़ा लूज है पर ये एकदम फुर्तीला है। दुश्मनों बच के रहना। बेटा तुम्हें ना इस कंप्यूटर से दूर रहना चाहिए। ठीक है मॉम, जैसा आप कहो, पर लास्ट टाइम मोकैम्बो मुसीबत में है और वही एक राक्षस है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, उसकी पूरे परिवार पर हमला किया गया है। करण, अगर तुम इसे अभी बंद नहीं करोगे ना तो बाद में इस गेम को बंद करने में बहुत मुश्किल होगी। थैंक्स मॉम, मुझे पता था कि आप मेरी मजबूरी को समझोगे। बेटा अग्नि, मुझे डर है कि अब तुम्हें इस गेम खेलने की इतनी आदत हो गई है कि तुम इस गेम को खेलना कभी नहीं छोड़ पाओगे। घबराओ मत मॉम, मैं ये गेम कभी भी छोड़ सकता हूँ। अच्छा, अभी? कभी भी मतलब फिर कभी। वेलकम टू ये रानी, स्टारिंग रानी ओब्रॉय। इस शो की होस्ट है रानी ओब्रॉय। ब्रॉट यू बाय कबीर प्रोडक्शन। ये शो रानी के बारे में, इस शो की स्टार रानी है। सॉरी, ये है रानी। रानी बड़ी कलाकार, उसके पास है बड़ी कार, उसके नौकर है हंसा, सबको पता, मुझको है पता, तुम
तुमको है पता, रानी बड़ी मजेदार रानी। हाय फैंस, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा शो रुचिका वाले के शो से 35 हिट्स आगे है। ये बोरिंग रुचिका वालिया, रानी को दो तालियां। लेकिन आज के माय स्पेशल गेस्ट हैं, वो ना ही मैं इतना सुंदर है और ना ही मैं इतना अमीर, लेकिन मेरी अच्छी दोस्त हनी मिर्चंदानी। ये हनी, वूहू, ये बस वो सिर्फ हनी है। मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए थैंक यू सो मच रानी। तो बताइए हनी, आप हमारे फैंस को क्या एक्साइटिंग दिखाना चाहती हैं? ओह हाँ, मेरा ये नया क्लिप, ये रेड है और इतना शाइनी भी। ओह बाय द वे, इस गोजू के बाल पे लगा के देख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, इस गोजू के पैर अभी भी बहुत दुख रहे हैं, पिछली बार वो हील्स पहन के। अभी तुम टेंशन मत लो, इस बार हम तुम्हें हील्स नहीं पहनाएंगे। आज हम देखेंगे कि लड़कियों को लड़कों के बारे में क्या नहीं पसंद है। तो आप में से हमारी मदद कौन करने आएगा? ओह नो, आपका स्वागत है कबीर। रानी मैं ये नहीं कर सकता। तो बताओ हनी, तुम्हें कबीर के बारे में सबसे गंदी बात क्या लगी? जब ये रूम में आया था तब इसने अपने नाक में उंगली डाली थी। नहीं, ये झूठ बोल रही है। शट अप, कंटिन्यू हनी। और ये बदबू भी मारता है। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ खड़ा रहके अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता। तो फिर बैठ जाओ, अब हम देखेंगे मेकअप टिप्स। नहीं नहीं नहीं, मैं ये लिपस्टिक नहीं लगाऊंगा और ये गंदा वाला पिंक तो बिल्कुल नहीं। अरे मैं तो वाला पुतला नहीं, प्रोड्यूसर हूँ। मुझे एक प्रोड्यूसर नहीं, एक पुतले की जरूरत है। अच्छा तो फिर जाओ किसी और को ढूंढ लो, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। आप लोग कहीं जाएगा मत, हम बस जल्द लौटेंगे। करण, क्या तुम अब तक वो गेम खेल रहे हो? वो हम आपने कहा था ना 5 मिनट खेलना। वो मैंने 4 घंटे पहले कहा था। चलो बस खत्म हो गई। मॉम प्लीज, अब मेरी सारी मायावी शक्तियों को तबाह कर रही है। खामोश खूनी राक्षस। मेरा नाम खूंखार अग्नि है और मैं महा जादूगर हूँ। मैं अपनी प्रजा को बचाना चाहता हूँ। मॉम प्लीज, अगर मैं नहीं गया तो सारे दरिंदे राक्षस खेती खा जाएंगे। लेकिन अब सोने का वक्त हो गया है। मॉम प्लीज, बस 5 मिनट। मॉम, मुगाम्बो तेजदार को मेरी सख्त जरूरत है। छिपकलियों की फौज उस पर छिप छिप कर वार कर रही है। मॉम प्लीज। पता है मुगाम्बो तेजदार की मम्मी भी ना इस वक्त उसे यही कह रही होगी कि अब सोने का वक्त हो गया है। घर कहाँ चले गए? अरे वापस आओ, तुम्हारी जरूरत है हमें। छिपकली फौज, वापस आओ। नहीं छोड़ूंगा। 12 घंटों से अपनी वीडियो गेम नहीं खेली, फिर भी मैं ठीक हूँ। अपने आप से बात कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ। ये रानी भी ना, मैंने उसके लिए क्या क्या लिख किया ताकि वो और उसका शो अच्छा दिख सके, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं बुरा दिखूं। ये सब बच्चों वाली बातें तू मुझे मत सुना। तुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई तुझसे अपनी मनपसंद चीज छीन ले तो कितना दर्द होता है। करण, जब पिछले हफ्ते तूने मेरे बायोलॉजी का होमवर्क छीन लिया था ना, तब मुझे ऐसा ही लगा था। मैं जरूरी चीजों की बात कर रहा हूँ। चिल कर करण, वो सिर्फ एक वीडियो गेम ही तो है। चिल कर करण, वो सिर्फ एक वीडियो गेम ही तो है। तुझे पता नहीं है, अगर मैं वापस नहीं गया तो छिपकलियों की सेना मेरे राज्य को नष्ट कर देगी। तुझे समझ नहीं आता? नहीं आता, क्योंकि मैं पोलारिस प्लैनेट का रहने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ, वो तो साफ साफ दिखता है, पोलारिस प्लैनेट पे रहने वालों की पूछ होती है। छिपकली की फौज दूर रहे। इसी नीचे रख देता हूँ आपकी चाबी। वेलकम
वेलकम टू ये रानी शो जिसकी स्टार है रानी ओबेरॉय। आज का हमारा पहला सेगमेंट है तुतलाता तोता स्टारिंग मिथू। स्टारिंग मिथू। मिथू कहाँ है? मुझे क्या पता। तुम्हारी जिम्मेदारी थी उसे यहाँ लाने की। तुम लकी हो कि मैं खुद को यहाँ तक ले आई। अब कोई बात नहीं, मैं तो अपनी उड़ने की प्रैक्टिस के लिए गया है तो उसकी जगह पर आएंगी हनी। क्या? अब हनी हमें सब खाकर दिखाएंगी। पर ये तो मिर्ची है, वो भी हरी वाली। ये मीठी वाली है। ओके फिर। बैड मिथू, कभी कभी ऐसा नहीं करता, और वो मिठू को भी जरूर लेकर आता। तो चलिए अब हम अपने फैंस के सवालों का जवाब देंगे। क्रेजी फैन 9 कहती है कि तुमने उस क्यूट लड़की को क्यों भगा दिया, उसे बहुत पसंद था। गलत सवाल। कुछ ऐसा सवाल पूछो जिसमें कभी ना हो। सारे सवाल कबीर के बारे में ही हैं। तुमने बता कि कबीर चला गया है। गया गया गया, ओके? और हमारे फैंस भी, पता है हमारे फैंस सोती नानी से भी कम हो गए हैं। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं सोती नानी को देख रही हूँ और उनके नाक में मक्खी जाने वाली है। नहीं खेलूंगा, नहीं कहेंगे। एक बार प्लीज, एक बार प्लीज, एक बार नहीं, नहीं, नहीं। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? जाओ काम करो। करण, तुम यहां क्या कर रहे हो? और ये यहां क्या कर रहा है? ये मैंने अपनी सुरक्षा के लिए रखा है। होटल में कभी गुंडे वगैरह आ गए तो यानी कि मुकेम्बो तेजधार। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं खूंखार अग्नि हूँ। ये तो चमत्कार हो गया। ओझा की कसम, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। जो कैसर! मेरे राज्य का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। वहां के खूनी दरिंदों ने उस पर कब्जा कर लिया है। मैंने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन क्या करूं, वो खूनी है और दरिंदे भी। लेकिन तुम कहां खो गए थे? मॉम ने मुझे गेम खेलने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे इस गेम की लत लग गई। हाँ, लेकिन वो सही कह रही हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम इस गेम से छुटकारा पा सकें। हाँ, पर इसमें कितना मजा आता है। हाँ, मजा तो बहुत आता है, लेकिन नहीं, हमें हिम्मत रखनी चाहिए। अग्नि, जो हुकुम तेजधार। अग्नि, चलो एक लास्ट गेम। हटो, वेलकम टू ये रानी जिसकी स्टार है रानी ओबेरॉय और मैं हूँ रानी। हमारी आज की स्पेशल गेस्ट है हाँ, सोती नानी चमेली चंदा चावला। मैं सोते हुए कैसे क्या बात करूंगी? मैं तुम्हारे लिए गैस का तो बंदोबस्त किया ना, चलो देखते हैं उनके नाक में कोई मक्खी है या नहीं। मक्खी तो नहीं लेकिन बाल जरूर है। काश कबीर यहाँ पर होता। तुम उसे सॉरी क्यों नहीं बोल देती? क्योंकि मैं वो शब्द नहीं बोल सकती। डैडी कहते हैं कि ओबेरॉय
कभी माफी नहीं मांगते, और अगर मैं कहना भी चाहूँ ना तो भी नहीं बोल सकती। जब कबीर इस शो में था तो ये शो कितना अच्छा था। ये रानिका, ये तो वही था ना कबीर। अगर तुम ये बहुत बुरा शो देख रहे हो जिसकी प्रोड्यूसर है हनी मिर्चंदानी, अरे वो तो मैं हूँ, तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ आई एम सॉरी। वो कहता है कि उसे मंजूर है और उसे तुम्हारी साड़ी बहुत क्यूट लगी। किसने भेजा है? मैंने भेजा। कबीर तुम वापस आ गए? हाँ, और मुझे तुम्हारा साड़ी मंजूर है, तो अब शो शुरू करें। रुको रुको, मैं भी आ रही हूँ। रानी बड़ी कलाकार, उसके पास है बड़ी कार, उसके नौकर है हजार, सबको बता। ये शो था बकवास, अब कबीर हमारे साथ, ये शो होगा झक्कास दोबारा। ओफो, इतनी शोर में कौन सो सकता है? मानसिंह जी, आप इतने बड़े होकर इस बात में इतना बचपना कैसे दिखा सकते हैं? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है प्रीति जी, ये बहुत सीरियस मामला है। आपकी दुनिया से बेहतर हम प्लैनेट सोलारिस के राक्षसपुर में रहना पसंद करेंगे। हाँ, वो आपकी दुनिया कितनी भीगी है और हमारी दुनिया कितनी रंगीन है। मैं जाने दो। ओफो, तुम दोनों भूल गए हो कि वो एक नकली प्लैनेट है और वहाँ के लोग भी असली नहीं है। अरे, एक बनावटी दुनिया से तुम दोनों को इतना लगाव कैसे हो सकता है? अरे वाह, मेरा फेवरेट शो शुरू हो गया। बेचारा नोबिता, देखो ना कितना परेशान है। पता है बीमारों को ना उसे बहुत तंग करते हैं, पर देखना अभी डोरेमोन आएगा और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप डोरेमोन की बात कर रही हैं? हाँ मॉम, ये कार्टून है। हाँ तो कार्टून है तो क्या हुआ, उनके भी जज्बात होते हैं। देखो डोरेमोन आ गया।